राहुल गांधी की संसद सदस्यता के जाने के बाद कांग्रेसियों में रोष दिखाई पड़ रहा है। इसी के चलते वो विरोध प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जिसका असर इंदौर में भी देखने को मिला, जब इंदौर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस नेता मनीष पटेल ने जमकर अपना दम दिखाया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर अपना विरोध जाहिर किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता मनीष पटेल ने भी मंच से राहुल गांधी की सांसदी जाने पर जमकर गुस्सा जाहिर किया। एवं कांग्रेस पार्टी को हमेशा लड़ाई लड़ने वाले हमारे माननीय विधायक जीतू पटवारी जी, साथियों कुछ तो बात है। पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किसानों की बात रखने वाले, आम जन की बात रखने वाले, बेरोजगारी की बात रखने वाले, आन पेपर पर लड़ाई लड़ने वाले ऐसे हमारे माननीय विधायक बड़े भाई जीतू पटवारी जी को निलंबित करा। फिर ऐसे ही दिल्ली में हमारे राहुल गांधी जी ने भी संसद में पार्लियामेंट में देश की बात कही, उनने लड़ाई लड़ी। कुछ तो बात है जो शिवराज सिंह चौहान घबरा गए हैं और दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी की भी कुछ कुर्सी हिल रही है। साथियों हम सब कांग्रेस जन युवा साथी एक साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर राहुल गांधी जी के साथ में अनेक धरना आंदोलन करेंगे, जेल में जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत जय हिंद। कांग्रेस नेता मनीष पटेल ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है और इसे बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील करार दिया। वहीं आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।